अभी हम मौजूद है नागौरी गेट में। यहाँ पुलिस जो है बहुत सख्त है और जो भी लोग बिना परमिशन के निकल रहे हैं या जो है जो वाहनों को चेक किया जा रहा है उनके जो है चालान भी बनाए जा रहे हैं। कोई भी लोग जो जा रहे हैं और ये जो है वो हाई अलर्ट एरिया में है और यहाँ पे जो है जो भी वाहन निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है। पूरा एरिया जो है सील कर दिया गया है। अभी जो है बिल्कुल सख्त है और कहीं भी गाड़ियों को निकलने नहीं दिया है। जो लोग निकल रहे हैं जिसे पास से परमिशन है उन्हीं को जो है वो निकलने दे रहे हैं। बाकी लोग ये सफाई कर्मचारी या जो है जो मेडिकल के हैं उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ में प्रेम सिंह जी भाटी मौजूद हैं जो नागौरी के थाना के एएसआई साहब है। सर बताइए कि और सख्ती होगी? बिल्कुल बंद हो गया है, संक्रमण को देखते कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस को देखते हुए हमारे नागौरी थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू के नियमों की पालना की जा रही है ताकि आम पब्लिक में ज़्यादा संक्रमण न फैले और जिसके पास जो कर्मचारी है नगर निगम या तो भी अनिवार्य सेवा कर्मचारी उनके पास तो अपना वैध वो आइडेंटी कार्ड या पास है उनको जाने दे रहे हैं। किसी को नहीं जाने दे रहे हैं और गाड़ियाँ जब्त करने की भी की जा रही है। अभी आपने गाड़ी अभी जब्त करी है जी? हाँ मैंने एक तो चार पाँच गाड़ी जब्त करी है। तो क्या लग रहा है सर अभी लोग मान रहे हैं या पहले की तरह जो है निकलना चालू है उनका? अभी तक स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनको जानकारी का अभाव समझे या फिर कोई एविजुअल हो तो बाकी तो कुछ नियंत्रण में है। और लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप यहाँ के क्षेत्रवासियों को? मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि अपने घरों के अंदर रहें, अपने बाहर अनिवार्य हॉस्पिटल या ऐसी कोई अनिवार्य सेवा के लिए बाहर जाना पड़े तो मास्क लगा कर रखें और कर्फ्यू के नियमों की पालना करें ताकि संक्रमण ज़्यादा आम पब्लिक में दूसरी जगह नहीं फैले। ऐसे हमारा एरिया है जो हाई रिस्क जोन है, यहाँ से हमारे एरिया से कोरोना संक्रमित मिले हैं पॉजिटिव, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये देखो मेरे साथ में प्रेम सिंह जी भाटी थे। अभी संक्रमित यहाँ मिलने के बाद में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो हाई अलर्ट पे एरिया है और कर्फ्यू लगा रखा है और काफ़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है, रेगुलर बेसिस चेक किया जा रहा है। जिनके जो है पीछे देखे आपने देख सकते हैं जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको चेक किया जा रहा है और पुलिस यहाँ मुस्तैद है। और आप लोगों से भी निवेदन, नमस्ते राजस्थान के मंच के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण जो है भारत में बढ़ा है, राजस्थान में बढ़ा है। जोधपुर में कल में जो है 9 केस जो है वो मिले हैं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके जो है आप बाहर ना निकलें, घरों में बन रहे हैं क्योंकि आप अपने साथ में जो है जो आपके साथ वाले परिवार वाले हैं उनको भी जो है आप संक्रमित कर सकते हैं या आपको संक्रमण लग सकता है। तो कृपया घरों से ना निकलें, घरों में बने रहें। पुलिस प्रशासन अपनी जगह लगा हुआ है, सरकार निवेदन कर रही है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री आपसे बार बार आह्वान करें, सामाजिक संगठन भी आपसे निवेदन करें, तो कृपया बाहर ना निकलें। हम लोग जो मौजूद हैं अभी नागौरी गेट में और यहाँ पुलिस जो है वो सख्त है। नागौरी गेट में चेकिंग पूरी चल रही है, ये अभी हम पहुँचे हैं पुलिस थाना नागौरी गेट पे। हर वाहन को चेक किया जा रहा है। आने वाली गाड़ियों को जो है पूछा जा रहा है, रोका जा रहा है। ये पूरा एरिया सील किया हुआ है।